जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस दोस्तों, रिम्स यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के अंदर एडमिशन का नोटिफिकेशन निकल गया है। जिन जेसीओस और जवानों को बच्चों को इस साल एग्जाम दिलाना है तो पूरा आपको नोटिफिकेशन हिंदी और अंग्रेजी में बताऊंगा। हाँ जी दोस्तों, एक फौजी ने पीएनबी में करी लूटपाट, लाखों रुपए लूटे, यानी बताएंगे कि इसने अपनी ट्रेनिंग का किस तरह उठाया फायदा। और आप देखिए एक फौजी की जिंदगी कैसी होती है, आप ये हो सकती है फौजी की बीबी या बहन है, किस तरह दर्द बयां कर रही। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हम और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि सबको इंतजार रहता है कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का एडमिशन नोटिफिकेशन कब निकलेगा। तो दोस्तों ये निकल चुका है, करीब 8-10 पेज का है, इंग्लिश में हिंदी में सारा है। द रिम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन बॉयज एंड गर्ल्स फॉर क्लास 8 फॉर द जुलाई 2020 टर्म्स विल बी हेल्ड एट द स्पेसिफाइड सेंटर विद इन ए कंट्री ऑफ 1 दिसंबर 2024 संडे को इसका एग्जाम है। और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, रिटन एग्जाम इंग्लिश का है 125 का, मैथ का 200 का, जीके का 75 का। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शेड्यूल्ड रिजल्ट, प्रोसीजर ऑफ ऑप्टन एप्लीकेशन, फिर इसकी पूरी प्रेस रिलीज, उसका फीस स्ट्रक्चर सारा आपको चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना, ये नीचे जा रहा है, मैं आपको इसका पीडीएफ जरूर भेजूंगा और सभी फौजी भाइयों को उसके साथ शेयर करना दोस्तों, क्योंकि आपको इसको प्रिंट आउट लेकर के आप मैं इसको बताना शुरू करूंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए आपके लिए है बिल्कुल दोस्तों। बात करता हूं एक फौजी जिसने किस तरह करी लूटपाट। आप देख सकते हो कि बर्खास्त फौजी ने की थी पीएनबी में लूट और पुलिस उसके पीछे 3 लाख रुपए भी कर लिए। हाँ जी दोस्तों, बात है पंजाब नेशनल बैंक में मंगलवार, यानी आप 6,64,000 की लूट। बर्खास्त यानी सेना में बर्खास्त फौजी अरुण सिंह राठौर, निवासी श्यामनगर शुक्लिया एटा के रहने वाले हैं श्रीमान जी। और उन्होंने करीब रात 2-3 बजे तक अपने पूरी घरों में उसके छापा गया। वो जाके पहले बगल में कहीं सिक्योरिटी की ड्यूटी करता था, उससे पहले किसी बैंक में भी था, लेकिन भाई उसने इस चीज़ का फायदा उठाया दोस्तों। और वहाँ पर डीएसपी और पूरी पुलिस इसके पीछे लगी है। और सेना में 1999 से 2006 तक पदस्थ रहा है, अनुशासनहीनता और नशे की लत के कारण बर्खास्त कर गया। अप्रैल 2024 में पंजाब नेशनल बैंक के सामने गोल्ड माइन ज्वेलर्स में गार्ड था, इसलिए बैंक की पूरी जानकारी थी उसको बिल्कुल दोस्तों। और उसने बैंक में जाके अपने प्रश्न हथियार से सबको डराया, धमकाया और लूट की सरे आम दिन दाड़े और वहां से भागा और पत्नी को बैग सौंपा और भागा हुआ, यानी पूरी पुलिस इसके पीछे घूम रही। कमिश्नर गुप्ता ने बताया कि आरोपी अरुण का उनका घर से लगभग सीसीटीवी कैमरे से पता चल गया बैग है और वाटर टैंक से कुछ 3 लाख रुपए रिकवर भी हो गए, लेकिन बाकी पैसा लेके फौजी गुमशुदा है। लेकिन वो बर्खास्त फौजी यानी एक इनडिसिप्लिन सोल्जर है, वो फौजी हो ही नहीं सकता। ये इस तरह के कृत्य करता है वो फौजी कभी हो नहीं सकता है। तो दोस्तों आप इसका समझ सकते हो, जब जिसके पास फौज की ट्रेनिंग है, दबदबा है और हथियार भी है, तो वो इस तरह एक नेगेटिव काम भी कर सकता है। वैसे तो बाकी दूसरी बात खबर करते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, एक फौजी की जीवन में कितना दर्द होता है, उसके परिवार वाले कहते हैं जब फौजी आता है छुट्टी तो कितनी खुशी होती है, और वो खुशी जैसे जैसे उसकी छुट्टी खत्म होती तो उसकी नहीं उसके परिवार की धड़कनें बढ़ती हैं। और धड़कनें इसलिए बढ़ती हैं कि उनको नहीं पता कि दोबारा लौट के आएगा या नहीं, या एक बार दोबारा इसकी शक्ल देखने को मिलेगी या नहीं मिली, क्योंकि फौज की लाइफ ऐसी जैसा आजकल हो रहा है। तो एक दर्द बयां किया है फेसबुक पर, ये वीडियो वायरल हो रही है, लगा के नहीं आपके साथ शेयर करेंगे। लोगों को लगने लगा कि फौज की जिंदगी में कितनी मुसीबत कब आ जाए किसी का पता नहीं दोस्तों। तो ये थी शाम की बड़ी खबर, धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फौज में मौज है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन एक फौजी की तकलीफ कोई नहीं जान सकता। एक फौजी को एक फौजी समझ सकता है और एक फौजी फैमिली को एक फौजी फैमिली समझ सकती है, क्योंकि फौजी जब छुट्टी पे आता है ना तो उसके फैमिली को इतनी खुशी होती है और उतना ही दुख वो रिटर्न छुट्टी से जाता है उतना उस टाइम पे होता है। छुट्टी का आखिरी दिन रहता है उस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि आप वापस जाओ ही मत, क्योंकि एक फौजी अगर छुट्टी से रिटर्न जाता है ना तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब घर आएगा, कौन सा दिन
आखिरी रहेगा लाइफ का, उसको आखिरी बार कब देखेंगे, फैमिली को कब देखेंगे या उसको कब देखेंगे, ये दोनों में से किसी को पता नहीं रहता है। ये बात है ना बाकी लोगों के लिए नॉर्मल रहेगी, लेकिन एक फौजी परिवार के लिए ये बात आम नहीं है। ये जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जान ले देंगे प्यार के खातिर, तो कोई नहीं मरता है किसी के खातिर, सिर्फ एक फौजी ही मरता है देश के खातिर। जय हिंद।